greetings, dear children. Today we are going to read present continuous, present perfect, and present perfect continuous forms of the tenses. In the last video, we read about simple present or present indefinite. तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से. उसके पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सिंटैक्स यानी उसका जो रूल है प्रॉपर इस तरह से उसको लिखेंगे वो हम लोग लिख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बी वन प्लस आई एन जी एंड विथ सीन्स और सीन्स ऑफ कॉल का मैं आपको बात बताऊंगी. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या चीज शो करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोई वर्क कोई काम जो प्रोसेस में ठीक है यानी कि जो चल रहा अभी एट प्रेजेंट किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम पर जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो हम क्या लिख सकते हैं जैसे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. अब एक चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जहां एस लग जाता है सिंगुलर लग जाता है वहां इस तरह की चीज है क्योंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए उसे इस तरह है. प्लूरल्स हो गए तो प्लूरल्स हो तो उनके साथ में लगेगा कोई भी प्लूरल्स हो दे है यू है उनके साथ में लग जाता है आ जैसे दे आर प्लेइंग ठीक है. और अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई है तो आ एम राइटिंग. अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं एक तो हमने बात करी जो कोई वर्क प्रोसेस में है और जब हम किसी से बात करते हैं तो नाउ डेज बता दी हुई आजकल तुम क्या कर रहे हो इस तरह की कोई बात बोलते हैं तब भी हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउ डेज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री समथिंग लाइक दैट. इस तरह की बात जब हम लोग करते हैं तो वो भी इसमें आ जाता है. और एक चीज है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है फ्यूचर के बारे में जैसे फ्यूचर के बारे में जैसे कि कोई फ्यूचर में कोई काम होने जा रहा है जैसे टुमोरो माय अंकल इज कमिंग टू द कल मेरे अंकल आ रहे हैं यानी जहां रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं टाउन में आ रहे हैं. आ रहे हैं मतलब ये मुझे बिल्कुल ही नहीं है कि वो चल पड़े धीरे धीरे पैदल पैदल कल तक पहुंच ही जाएंगे यानी आएंगे फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है. आया समझ में? अब जब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नॉट लगा के जो हम बोलते हैं सिंपल जो सेंटेंस जैसे टीचर इज टीचिंग इन द क्लास टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लास दे आर प्लेइंग दे आर नॉट प्लेइंग आई एम राइटिंग आई एम नॉट राइटिंग. तो जो ये ऑक्सिलरी जो होती हैं इनके साथ में लग जाता है क्या नॉट. और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जहां भी सिंगुलर होता है वहां एस वाले फॉर्म्स लगते हैं जैसे डस इज हैज. अब ये हैज की क्या बात हो रही है तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. तो उसको हम किसके लिए लिखते हैं क्या उसमें उसका क्या यूज है एग्जैक्टली लिखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट से हम बताते हैं जो कोई एक्शन हो चुका है. अच्छा मोस्टली लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट इन दोनों में कंफ्यूज होता है.
आपको छोटा सा एग्जांपल सिंपल पास्ट का पहले हम लोग सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस बी डू। जैसे मैंने आपको बोला शी वेंट या शी केम। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना प्लूरल्स हो सिंगुलर्स हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ में केवल केवल जो बी टू है यानी कि वर्ब का इस्तेमाल होता है। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे इसकी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंगल पास्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया जो कोई काम हो चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जैसे अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि कल आप स्कूल क्यों नहीं आए तो आप कहते हैं बिकॉज माय आंट केम। माय आंट मेरी जो आंटी है वो कल घर आई थी यस्टरडे शी केम। कल वो आई थी। आई थी का मतलब क्या है आपको चली गई तो माय आंट केम जैसे हमने लिखी है एग्जाम्पल में माय आंट केम आपको चली गई एक सिंगल सिंपल ये हो गया आपका सिंपल पास। लेकिन जहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी अब मैं आपको बोलती हूँ कि अच्छा आप आज स्कूल फिर से नहीं आते कल मैं आपसे पूछती तो आप क्या बोलते मेरे को मैं इसलिए स्कूल नहीं आया या आई क्योंकि माय आंट हैज कम। अब देखो दोनों में डिफरेंस है वाकई है केवल लिखने का ही हैज का मतलब वो आ चुकी है यानी ये काम अभी एक तरह से अधूरा है इसके रिजल्ट सामने बाकी हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आगे समझ में तो जो जैसे हैबिचुअल एक्शन हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट और ये पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट ठीक है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो सेम चीज जैसे उसमें हमने बोली थी प्रेजेंट के लिए कोई हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट का होता है वह रोज गीता पढ़ती है शी रीड्स गीता एवरी डे या एवरी मॉर्निंग। शी रेड गीता एवरी मॉर्निंग यानी सेकेंड फॉर्म यानी वो हर सुबह गीता पढ़ती थी जो यूज हैबिचुअल एक्शन पास्ट में और ये जो कोई एक काम उसका एक पार्ट भी हो सकता है जो खत्म हुआ है या हम वापस से उस काम को करने वाले हैं वो रिपीटेड एक्शन को शो करता है कि फिर से होगा इस काम में खाना खा चुका मतलब आपको मैं जीवन में खाना नहीं खाऊंगी नहीं मैं फिर से खाना खाऊंगी खा चुकी हूँ वो रिपीटेड एक्शन में आएगा तो फिर से रिपीट होगा एक्शन आपको क्लियर हो गया और इसमें जैसे माय आंट हैज का मैंने बोला आंट क्या है इससे वही सिंगुलर सिंगुलर का एस ये एस में एस ठीक है। ऐसे ही अगर होता कि दे केम दे कौन ये सॉरी दे हैव क्योंकि दे जो है वो प्लूरल इसलिए उसके साथ लगा है तो आई के साथ में और सारे प्लूरल के साथ में लगता है ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात किसकी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है ये खाली आप लोगों को ये जो आपने जो सिंटेक्स देखा है उससे खाली समझ नहीं आ रहा होगा बल्कि मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मोस्टली यूजुअली जो हम लोग अब तक सुनते आए हैं है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या शो करता है कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। जैसे आई हम ये एक सेंटेंस में बोलते हैं आई स्टार्टेड सिंगिंग इन द मॉर्निंग
in the morning. I am still singing. Second sentence kya hai? I am still singing. अब यानी कि हम इन दोनों को एक सेंटेंस बना देते कि I have you, मैंने आपको बताया था ये have जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में प्लूरल के साथ। I have been, और एक बार has, have or had, ये परफेक्ट फॉर्म को बताते हैं, ठीक है? ये भी एक टिप है, ये ध्यान में रखना। ये जो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट तो है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस कैसे? क्योंकि I have been singing, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग सीन्स मॉर्निंग। अरे ये क्या हुआ भाई, मैंने सीन्स क्यों लिख दिया? सीन्स इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम एक निश्चित जो टाइम फिक्स टाइम होता है, इतने से इतने तक, एक घंटा दो घंटा इस तरह से। अब मॉर्निंग में फिक्स नहीं है, कितने बजे से? मॉर्निंग 8 बजे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? पीरियड ऑफ टाइम जैसे आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के कोई भी हो सकते हैं, कोई 2 घंटे फिक्स, 1 आवर, 4 आवर्स, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप ये आप लोगों को काफी क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने आपको बताई दिया है, इसमें मैंने आपको बताई दिया था सीन्स और फॉर जो है उसकी बात हम कर लेते हैं। हमने आपको फॉर का एग्जाम्पल बता दी, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, या हम ऐसा करते हैं यहाँ आई की जगह हम कर देते हैं for two hours। आगे समझ में ये है का, और इसमें भी कोई सेम चीज नेगेटिव। I started singing in the morning, I did not start, जो हमने इसकी बात करी थी, ये जो मैंने आपको सिंपल पास्ट वो पूरा मैं आपको बता नहीं पाया, तो I did not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिला के हो जाता है ई डी लग जाता है, सेकेंड फॉर्म बन जाता है, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट स्टार्ट। अब स्टार्टेड नहीं लगेगा क्योंकि ये जो डी है ये यहां चला गया डिड पे, ठीक है? हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट जब बात कर रहे हैं मैं उसके लिए बता रही हूँ, तो ये चाहे डिड जो है सिंगुलर हो प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसी के भी साथ डिड लगेगा और नॉट लग जाएगा। डिड आई, डिड यू स्टार्ट सिंगिंग, यानी डिड पहले लगेगा जब इंटरोगेटिव होंगे। व्हाट डिड यू डू, वेयर डिड यू गो, व्हेन डिड शी ईट, यानी कि जो अगर डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन होंगे उसमें वेन वेयर हाउ जो भी उसके साथ में डील लग जाता है, फिर आगे वर्ब सेंटेंस में डील होता है। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग, यहाँ पर हम लोग ग्रीन और आई हैव इसके बीच में लगाएंगे नॉट। हैव यू नॉट बीन सिंगिंग, यानी इंटरोगेटिव में ऐसा हो जाएगा। व्हाट हैव बीन यू डूइंग, यानी अगर what, where have been you playing, तो इसे अगर मुझे where बोला है तो मैं बोलूँगी where, have जो भी होगा been, plus जिससे हम बात second person third person जिसकी भी बात करें वो आएगा you, she, फिर verb form plus ing। समझ में आया कि आप लोगों को clear होता होगा, आई होप। अब हम लोग जो पास्ट के दूसरे फॉर्म्स और फ्यूचर के वो हम लोग नेक्स्ट